हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करता है, यानी कन्वेक्स लेंस एक अभिसारी लेंस है। आज के इस वीडियो में हम कन्वेक्स लेंस से इमेज या प्रतिबिंब किस तरह का बनता है यह देखेंगे और इसके लिए एक डेमोंस्ट्रेशन मॉडल भी तैयार करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट या बिम कॉन्वेक्स लेंस के फोकस और अनंत के बीच में स्थित हो तो इमेज हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा, यानी रियल एंड इन्वर्टेड। और इसी कारण से यह कॉन्वेक्स लेंस कैमरा, फोटोस्टेट मशीन और प्रोजेक्टर आदि में उपयोग में आता है। आइए हम अपना डेमोंस्ट्रेशन मॉडल तैयार करते हैं। इसके लिए आप कोई बड़ा गत्ते का बॉक्स, कार्डबोर्ड बॉक्स ले सकते हैं, जो किसी शर्ट आदि का हो सकता है। इसके ऊपर दो रेक्टेंगल बनाएं इस तरह से, एक ऊपर और एक साइड में। दोनों को पेपर कटर की सहायता से काट लीजिए। यहाँ मैंने एक बॉक्स को काट के तैयार कर लिया है। ये हमारा ऊपर का रेक्टेंगल, इसके नीचे हमने एक पेपर सेट किया है इस तरह से। साइड में एक छोटा सा रेक्टेंगल और काट लीजिए, जो एक विंडो की तरह काम करेगा। तो ये हमारा बॉक्स तैयार हो चुका है। ये साइड में हमारा विंडो, जो लेज़र टॉर्च डालने के या नॉर्मल टॉर्च डालने के लिए काम आएगा। अब हम साइड की विंडो के अंदर टॉर्च फिक्स करते हैं। एक पेन लिया है, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह या पिम्प की तरह काम करेगा। इसे आप थर्माकोल या पैकेजिंग मटेरियल में डाल के फिक्स करके टॉर्च के सामने इस तरह से रख दीजिए। अब एक और थर्माकोल या पैकेजिंग मटेरियल का टुकड़ा लेके उसमें लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को फिक्स कर दें और इस ऑब्जेक्ट या बिंब के सामने रख दें। तो आप देखेंगे कि जो हमारे बॉक्स के अंत के अंदर हमें यहाँ पे इस पेन की, जो हमारा बिंब है, उसकी इन्वर्टेड और रियल इमेज दिखाई दे रही है, वास्तविक और उल्टी। बहुत ही क्लियर इमेज दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे हम इस कॉन्वेक्स लेंस की स्थिति चेंज करेंगे, वैसे वैसे इस इमेज का साइज भी चेंज हो जाएगा। बहुत आसानी से इस इमेज को देखा जा सकता है। हम इस ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं। पेन की जगह आप एक एलईडी कैंडल ले लीजिए, कैंडल ले लीजिए और इसे वापस से इस कॉन्वेक्स लेंस के सामने रख दें। जब आप इस कैंडल को कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखेंगे तो आपको बॉक्स की दीवार पर वापस से यह कैंडल का प्रतिबिंब दिखाई देगा। बहुत ही सुंदर सा प्रतिबिंब दिखाई देगा और उल्टा और वास्तविक दिखाई देगा। हमने कैंडल के ऊपर मी, इंग्लिश का मी लिखा था इंग्लिश में, और हमें प्रतिबिंब के अंदर ये वी नज़र आ रहा है, क्योंकि ये कैंडल की इमेज जो है ये उल्टी हो गई है और ये वास्तविक है। और इसे आप कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन जब चेंज करेंगे तो इस प्रतिबिंब या इमेज की भी पोजीशन और साइज चेंज हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे बनती है यह भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।